हे श्रवण, बोलिए सर। उस स्वयंभू और रायजी के बेटे का क्या संबंध है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, है। उन दोनों में 36 का आंकड़ा है। इस बात का फायदा परिमल उठाना चाहता है। किसी और को देखा होगा, उसे ही स्वयंभू बताकर कंफ्यूज कर रहा है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह ही क्वार्टर पी लिया होगा। छिछे, स्वयंभू के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। कुछ भी हो, परिमल एक पुलिस वाला है। आईजी के मामले में झूठ बोलने का हश्र क्या होगा जानता है वो। सर ये देखिए, 3 तारीख रविवार सुबह ठीक 7 बजे वेणुगोपाल के घर गया था। उसके बेटे ने जो पासपोर्ट अप्लाई की थी, उसी के वेरिफिकेशन का विजिट था मेरा। उस समय मैंने स्वयंभू को कार ले जाते हुए देखा था सर। हे इधर आओ, अच्छी तरह से सुन लो, बहुत जरूरी बात है। पिछले शनिवार को अगस्त 2 तारीख हम कहाँ थे? तेनकाशी में सत्संग गए थे। वापस कब आए? अगले दिन रविवार को। कब? शाम को। अच्छा, सत्संग कहाँ था? तेनकाशी में। तेनकाशी में कहाँ? भद्रकाली माता के मंदिर। हाँ। में। ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मतलब पुलिस आने वाली है क्या? जरूर आएगी, लेकिन वो कब आएगी बता नहीं सकते। वैसे वो जितना लेट आएगी उतना अच्छा है। उस लड़के का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, और किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो हमसे सच उगलवाकर सबूत बनाना चाहते हैं, जैसा फिल्मों में होता है ना। बिल्कुल वैसा ही, हमें डराएंगे, धमकाएंगे, कभी एकदम प्यार से बात करेंगे। हो सकता है मुझे और तुम्हारी मां को मारे भी वो, लेकिन जब कोई सबूत नहीं मिलेगा तो हमें छोड़ देंगे। इसीलिए चाहे जो भी हो, वो कुछ भी कर लें, हम लोगों को अपना जवाब नहीं बदलना है। समझ गई? विश्वास कर सकता हूं ना? पापा, पुलिस आपको मारेगी क्या? तो उसके बारे में सोच रही है क्या? जब तो गलती करती है तो मां मारती है ना, उसी तरह है। डर लग रहा है पापा। क्यों? नहीं बोलो। डर लग रहा है। अब पापा है ना, फिर क्यों डरी हो? डरो मत, जाकर सो जाओ। जाओ सो जाओ। सुनिए, शनिवार को हम यहाँ नहीं थे, ये विश्वास के साथ हम सबको यकीन दिला पाएंगे क्या? केबल ऑफिस में पता है, सुलेमान भाई के होटल में सबको पता है, सबने देखा होगा। हाँ जरूर पता होगा। फिर झूठ कैसे बोल पाएंगे? एक छोटी सी बात पर उम्मीद रखकर, हमें जो जरूरी नहीं होता है हम उस बात को एकदम से याद नहीं रखते हैं, बस उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। वैसे ही देखते हैं, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। सब कुछ उन्हें सच सच बताकर हम अपने आप को सरेंडर कर। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन तुमने जिसको देखा था, वो स्वयंभू था क्या? अब आप ऐसे पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो स्वयंभू है? ओए, उस दिन जब मैंने पूछा तो तुमने बोला कि वो स्वयंभू ही था। उस दिन आपने बोला स्वयंभू कार में जा रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए हाँ बोल दिया। अभी आप पूछेंगे तो कैसे बता सकता हूँ? तूने देखा था क्या? स्वयंभू भैया थे ये कह नहीं सकता, और वो स्वयंभू भैया ही होंगे मुझे डाउट है। ए, वो जिस कार में गया था यही कार थी क्या? कार का कलर पीला था ये तो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये वही कार है ये नहीं बोल सकता। ए, तू कोई भी बात विश्वास के साथ बोल सकता है क्या? तूने देखा था क्या? नंबर नहीं देखा, लेकिन पीले कलर की मारुति कार थी इतना पता है। सर, पश्चिम दिशा में रेड हिल के पास प्रोफेसर सम्मी कलर ने एक नया घर खरीदा है ना। हाँ हाँ, उन्होंने भी पीले कलर की कार रखी हुई है। हाँ ये सही कहा तूने, उस दिन हमने जो कार देखी थी ना वो सम्मी कलर की कार थी। वो फैसला हम करेंगे। क्या ये? सर फैक्स आया है। अभी आया है क्या? जी अभी आईजी ऑफिस से आया है।
पिछले महीने आईजी साहब का लड़का नेचर क्लब टूर के लिए गया था। उस टूर में जो बच्चे आए थे उसमें से एक लड़की हमारे गांव की भी है। उसका नाम है शिल्पा, केबल टीवी वाले स्वयंभू की बेटी है। सर मैंने कहा था ना आपसे, आप क्या बोलते हो? अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है सर, उसे उठाकर इतना मारेंगे कि सारा सच उगल देगा वो। बस आप अपनी परमिशन तो दीजिए। ए परिमल, ये मैटर बाहर नहीं आना चाहिए, समझा? ये ले। न्यूक्लियर कंटेंट। मैडम। शिल्पा, यू आर वांटेड बाय द प्रिंसिपल। अगर हम मुंह खोलेंगे तभी सच बाहर आएगा। एक ही बात बार बार बोलने से यह सोसाइटी समुदाय यकीन करती है। फिर बचपन से क्यों मुझे सच बोलने के लिए सिखाया है, ऐसा मत पूछो मुझसे। देखो मेरा सच मेरा परिवार है, इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए क्या करना है तुझे पता है? किसी भी वजह से तू उस लड़के को नहीं जानती ऐसा मत बोलना, क्योंकि उन लोगों ने पहले से पता लगा लिया होगा कि तू उस लड़के को जानती है। अभी सिर्फ हमें यह बोलना है कि वो लड़का इधर आया ही नहीं, बस इस बात को गांठ बांध लो। वो लोग चाहे जितना भी घुमा फिराकर पूछे, तू अपनी बात पर अड़ी रहना। शिल्पा, ये एसआई सुरेश हैं, तुमसे कुछ इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस लड़के को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ सर, इसका नाम वरुण है। कैसे जानती हो? पिछले महीने स्कूल की तरफ से नेचर क्लब की ट्रिप पर गए थे। हाँ। तभी ये लड़का वहाँ पर आया था। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, फ्रेंड नहीं है, बस हाय बाय था इतना ही। हाँ हाँ, इसके बारे में और कुछ जानती हो क्या? सुना था ये आईजी का बेटा है। उसने खुद बताया था क्या? नहीं, वहाँ पर चर्चा हो रही थी सर। तुमने तो बताया कि तुम उसकी फ्रेंड नहीं हो, लेकिन उसका नाम तुम्हें बराबर याद है। सर इसकी वजह से कैंप में काफी समस्या हुई थी। समस्या? कैसी समस्या? ये लड़कियों की फोटो खींच रहा था सर। तिरुनेवेली से एक बहुत बड़े वकील की बेटी आई थी, उस लड़की की फोटो खींचने की वजह से वहाँ काफी हंगामा हुआ था। तब टीचर ने आकर इसे डांटा था, बहुत बैड बॉय था सर। उसके बाद तुमने उसे कहाँ देखा? नहीं सर, उसके बाद मैंने इसे नहीं देखा सर। देखा था ऐसा बोला? किसने बोला? वरुण ने। हाँ बेटी। वो झूठ बोल रहा है सर। इस महीने 2 तारीख को वो तुम्हारे घर पर आया था क्या? मेरे घर पर? हाँ। कोई नहीं आया था। आपने तारीख क्या बताई सर? इसी महीने की 2 तारीख शनिवार को, यानी अगस्त 2 तारीख शनिवार को, समझ में आया? उस दिन तो हम लोग थे ही नहीं सर। कहाँ गए थे? तेनकाशी, वहाँ मंदिर में सत्संग था, वहीं गए थे। कौन कौन गया था? पापा, माँ, छोटी बहन और मैं, हम सब गए थे। फिर वापस कब आए? अगले दिन शाम को ही वापस आए थे, और आते समय बहुत तेज बारिश थी। अभी बारिश के बारे में तुमसे किसने पूछा? 2 दिन तक सत्संग चल रहा था क्या? नहीं सर, सत्संग एक ही दिन था। अगले दिन एक होटल में रुककर ऐसे ही हमने एक फिल्म देखी थी सर। कौन सी फिल्म? अनजान। आखिर प्रॉब्लम क्या है सर? ये लड़का वरुण मिसिंग है। इस महीने के 2 तारीख को ये पाप नाशा आया था। इस गांव में वो सिर्फ इसी लड़की को जानता था, इसीलिए वो इस लड़की से मिलने आया था। उसी के लिए एक छोटी सीन को आई। नहीं सर, मैंने उसे कैंप के बाद नहीं देखा। ओके, थैंक यू। You're welcome, sir. Okay, you may go to your classroom. Thank you, ma'am. आप स्वयंभू की वाइफ है ना? हाँ सर। आपका नाम? रानी। नमस्ते सर। क्या स्वयंभू, इस समय तो घर पे कभी नहीं आता था। आपने स्कूल में जाकर पूछताछ की, प्रिंसिपल मैडम ने इन्हें बताया, तो इसने डर के मारे मुझे फोन किया। मैं पुलिस स्टेशन गया तो पता चला आप इधर आए हो, इसीलिए मैं जल्दी से आ गया ताकि आप लोगों से यहीं मुलाकात हो जाए। आप बाहर क्यों खड़े, आइए ना, घर के अंदर चलते हैं। इस फोटो में जो लड़का है उसे देखा है क्या? नहीं सर।
बहन जी आपने? और ये कार? ये तो मारुति है। नहीं, मैंने इस गाड़ी को नहीं देखी। हाँ? नहीं सर। स्वयंभू, हम खुलकर बात करते हैं। अरे हाँ साहब, मैं भी तो यही चाहता हूँ। इस फोटो में जो लड़का है वो वरुण प्रभाकर है, आईजी गीता प्रभाकर का इकलौता बेटा। 25 दिनों से लापता है। कुछ दिन पहले वो नेचर क्लब में गया था, उसी दौरान आपकी बेटी शिल्पा से उसकी पहचान हुई थी। उसने जो पीले कलर का कार दिखाया वो इस तरफ आई थी। उस कार को हमने ढूंढ लिया है। वो कार खदान के पास जो तालाब है उसे हमारे आदमियों ने निकाल ली है। हमारे यहां आने की दो वजह हैं। पहली, वो वरुण आपकी बेटी को जानता है, और दूसरी, हमारा कांस्टेबल परिमल आपको उस कार में जाते हुए देखा है। अपने थाने के एरिया में वेणुगोपाल के घर मैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया था। उस वक्त तुम्हें उस कार में जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसका क्या मतलब है? यानी वो लड़का इधर आया था? लेकिन उस दिन अगस्त 2 तारीख को हम लोग गाँव में थे ही नहीं। तीन काशी सत्संग में गए थे और अगले दिन अगस्त 3 तारीख को शाम को घर वापस लौटे थे। हो, काफी है, फिर इतना काफी है? अब तो ठीक है ना सर? ए, अपनी ये मुस्कुराहट तू अपने पास ही रख। वो लड़का जिस डेट को यहाँ आया, ना तो मैंने बताया और ना ही एसआई सर ने। जब वो कार तुम लेकर के जा रहे थे वो डेट भी मैंने नहीं बताई। तो फिर तुम्हारी बीवी को वो डेट कैसे पता चली? क्या स्वयंभू, इस हंसी के पीछे क्या मजाक है? उसने जो सवाल पूछा है जवाब दो उसका। अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं पुलिस वालों का मजाक क्यों उड़ाऊंगा? अभी भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए यह हक्का बक्का होकर खड़ी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साहब आप स्कूल गए थे, स्कूल का नाम खराब होगा, इस बात की चिंता प्रिंसिपल को थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ फोन किया। आपने जो सवाल वहां किया वही सवाल प्रिंसिपल ने इससे किया, तभी हम लोगों को इस तारीख वगैरह के बारे में पता चला। चलो, हाँ, अगस्त 2 तारीख को उसने आपको गाड़ी ले जाते हुए देखा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने? इसका भी जवाब मुझे ही देना पड़ेगा साहब। क्यों? अब परिमल साहब मुझसे नाराज रहते हैं ये तो पूरे पाप नाशम को पता है। मैं कुछ भी कहूंगा वो यकीन नहीं करेंगे। परिमल को यकीन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे चाहिए। हाँ तब तो मैं बताता हूँ सर। सर इतने यकीन से जब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे देखा था तो इसका मतलब ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने मेरे जैसे किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगस्त 2 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे तक हमारा पूरा परिवार तिनकाशी में था साहब। नहीं सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो यही था सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। 2 तारीख को यहाँ से जाने से लेकर वहां से यहाँ वापस आने तक जो कुछ भी हुआ साफ साफ बताओ। हाँ साफ साफ बताता हूँ। सुबह 5 बजे नहीं 5:30 में, हाँ, पहली बस पकड़कर हम तिनकाशी गए थे। फिर आपके पास तो जीप है ना? आप कैसी बात कर रहे हैं, पिछली बार जब हम गए थे तो जीप का ब्रेक डाउन हो गया था और इसने मुझे बहुत डांटा था, इसीलिए हम लोग इस बार बस में गए थे। वहां से वापस आते वक्त बारिश हुई थी क्या? हाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, हम लोग भीग भी गए थे साहब। अगले दिन दोनों बच्चों को हमने स्कूल भी नहीं भेजा था, दोनों बच्चे बहुत थके हुए थे। तुमने सारे बिल जमा करके रखे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? बस टिकट को भी संभाल कर रखने वाला पहला आदमी देख रहा हूँ। साहब मैं जब इस गाँव में आया था तब खाली हाथ आया था, ये घर कारोबार ये ऑफिस, अगर आज मैं आदमी बनकर खड़ा हूँ उसका कारण यह है कि मैं बचत करता हूँ। 5 पैसे का भी हिसाब मैं बराबर रखता हूँ, सारे रसीद देखकर महीने के आखिर में हिसाब लिखकर रखता हूँ। आपको पता नहीं है इस गांव में मेरे पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं, अब अगर उनकी फिक्र करेंगे तो ऐसा घर बना सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है साहब। ये जगह कितने एकड़ की होगी? 5 एकड़ की। हाँ ठीक है आता हूँ।
सुनिए, मैंने तारिक के बारे में बोलकर गड़बड़ कर दी ना। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना वो लोग यकीन ही नहीं करते। उन लोगों के सबूत देखने के बाद तू जो कह रहा है वो झूठ है। नहीं सर, मैं दिल से कह रहा हूँ सर, वो सच है। एकदम पक्का है। इतना पक्का होने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पकड़ के चार लगाएंगे, सब उगल देगा सर। वो बहुत ही साधारण है। गलती करने वाला इतना सावधान रह सकता है क्या? इसीलिए डाउट हो रहा है। सर, हम सब बेवजह परेशान हो रहे हैं। अभी तक हमने जो इंक्वायरी की है उसकी रिपोर्ट बनाकर आईजी ऑफिस में भेज देते, आगे जो होगा वो लोग देख लेंगे। तू जो बोल रहा है वो भी सही है। चलो पापा। हमारी बात पर पुलिस यकीन कर लेगी? पता नहीं। क्या वो वापस आएंगे पापा? जरूर आएंगे। उस आदमी का नाम क्या बताया? स्वयंभू निगम मैडम। क्या जंबू? जंबू नहीं मैडम, स्वयंभू निगम। पास में एक गांव है ना, वहाँ के भगवान का नाम है। ओ, मेरे बेटे की गाड़ी वही लेकर गया था, आपको पूरा यकीन है? नहीं मैडम, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन पीली मारुति थी। वो खुद गाड़ी चला रहा था क्या? हाँ सर, उसे चलाकर मैंने ले जाते हुए देखा था। पर उस बीच दो दिन तो वो गांव में ही नहीं था, फिर वो अपने परिवार के साथ तेनकाशी कब गया था? वो सब झूठ है सर। लेकिन उसके पास इसका सबूत है। उसके पास दो होटल की रसीद, कुछ बिल्स और उसने बस का टिकट भी दिखाया सर। वो सब ओरिजिनल है या नहीं ये देखना बाकी है सर। अगर इनकी बातें सच है तो क्या नाम बताया आपने? स्वयंभूलिंगम मैडम। तो वो सब झूठ है, वो सारे एविडेंस फेक हैं, और ये प्रूफ करने के लिए आधा दिन काफी होगा। आफ्टर ऑल गांव के एक अनपढ़ का दिमाग कहां तक पहुंचेगा ये बात हमें नहीं पता है क्या? देखते हैं। और अगर ये झूठ बोल रहा था, then we are wasting our time. That's right. इसलिए उस परिवार को तुरंत यहाँ लेकर आओ। सारे evidence यहाँ पर होने चाहिए। Yes, madam. Protocol वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए। जो कुछ होगा, directly मुझसे बात कीजिए। Okay, madam. I will handle this myself. ठीक है, madam. इधर बैठिए। हम लोग सुबह 5:30 बजे पहली बस पकड़ कर गए थे। सिर्फ वो बस का ही टिकट नहीं है, ऐसा क्यों? वो बस उनके फ्रेंड की है ना, इसलिए टिकट्स नहीं ली। सत्संग के लिए आप किस वक्त गए थे? 8:30 बजे के आसपास। सुबह की पूजा खत्म होने के बाद मंदिर का गेट बंद हो चुका था। हमारे पहुंचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। तकरीबन 8:30 बजे हमारे पहुँचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। आप सत्संग में किस समय गई थी? सब कुछ सही से बताना, लेकिन सब लोग एक जैसा एक ही बात मत बताना, समझ गई? और टाइम है ना, देखो वो तुम लोग सब एक ही समय मत बताना। आप दोनों अभी छोटे बच्चे हो ना, थोड़ा इधर उधर अंदाज से बोलना है, टाइम बताने से पहले थोड़ा सोचना है। करेक्ट टाइम माँ और मैं बताऊंगा, ठीक है? टाइम पता नहीं, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले सत्संग शुरू हो चुका था। आपके पहुंचने के कितनी देर के बाद सत्संग शुरू हुआ था? वो लोग सवाल पर सवाल करके तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल क्या है पहले अच्छी तरह सुनना, उसके बाद समझना, फिर जवाब देना। हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो गया था। लेकिन तुम्हारी माँ ने बोला कि तुमने बहुत देर तक वेट किया। माँ ने ऐसा बोला, बाप ने ऐसा बोला, इस तरह झूठ बोलकर वो लोग तुम्हें उलझाएंगे, लेकिन ये सुनकर तुम लोग अपनी बात को बदलना मत। नहीं, हमारे पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुका था। आइए चला।
क्या करम भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे और गेट को अंदर से बंद कर रखा है। अरे लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंदर तो हम आएंगे ही। गेट नहीं खोल सकते। खोलो गेट, खोलो। ये स्वयंभू कौन है पता है तुम्हें? हमारा काम है हम गेट नहीं खोलेंगे। अरे ये क्या जबरदस्ती हुई? अंदर जाओ, तो हमारे रिश्तेदार है, आप लोग जाइए। इन लोगों से झगड़ा करके जीत सकते हैं क्या?